दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके भगत, प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। चलिए आज हम आप लोगों को एक मजेदार ज्ञानवर्धक विषय से परिचित करा रहे हैं। दोस्तों, जब जब सीजन चेंज होता है, हम लोग एक कॉमन बीमारी से सफर करते हैं। वह सबसे अधिक वह है सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से। तो चलिए आज ऐसे कंप्लेन के ऊपर हम होम्योपैथिक में क्या उपचार है, कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं, होम्योपैथिक में क्या मेडिसिन लेने से हम ठीक हो सकते हैं, कौन सा ऐसा लक्षण मिलेगा जो हम कौन सा मेडिसिन होम्योपैथिक में ले सकते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि सिम्टम होम्योपैथिक में हम लोगों को पता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, जब भी होम्योपैथिक में कोई मेडिसिन लेने की बात होती है, तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए अपने तकलीफ के बारे में, अपने कष्ट के बारे में, उसकी लक्षण को अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें, और उसके आधार पर यदि हम मेडिसिन लेते हैं तो बहुत आसानी से दो चार खुराक में ही ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे मज़ेदार टॉपिक पर आज हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। जब सीजन चेंज होता है तो हम लोगों को खांसी शुरू हो जाती है। जैसे वार्म वेदर से हम लोग कोल्ड एयर में जा रहे हैं, तो अक्सर सर्दी, जुकाम, खांसी होता है। उसमें अधिक हम लोग को जो ध्यान देना है जी, अपने वेदर जैसे जैसे चेंज हो, अपने लायक कपड़े का इस्तेमाल करें, खान पान पर ध्यान दें। इसलिए ये सीजन चेंज होने पर डाइजेशन भी कमज़ोर होता है और ठंड लगने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ऐसे अवस्था में गर्मी से ठंडी की ओर या ठंड लगने पर जब हम इस बीमारी से सफर करते हैं, तो होम्योपैथिक में कई मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसमें से पहला मेडिसिन सोच सकते हैं हम लोग, आर्सेनिक, डालका मारा, एकोनाइट, रस्टक्स, नजमिका, सल्फर एंड मार्सल। अब चलिए दोस्तों, ये हम समझ लेते हैं ये आर्सेनिक कब हम सोचें। तो आर्सेनिक जब भी हम सोचें तो उसमें सर्दी जुकाम के साथ साथ नाक बंद हो जाना, मुंह सूखना, होंठ सूखना, प्यास लग जाना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, गर्म चीज़ खाने से, गर्म चीज़ पीने से आराम मिलना, कोई भी ठंडी चीज़ खाते पीते हैं उससे तकलीफ बढ़ जाना। आर्सेनिक अचूक दवा है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लोग सोचेंगे डालका मारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जब मौसम चेंज हो, गर्मी से ठंडी की ओर, और ठंड लग गया, अचानक सर्दी जुकाम शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा ही यदि सर्दी जुकाम नाक से बढ़ रहा है बहुत अधिक मात्रा में, और कफ भी बहुत ज़्यादा ही बन रहा है, कफ ज़्यादा ही निकल रहा है, और ठंड लग रहा है, दिन में गर्मी पड़ रहा है, रात में ठंडी का मौसम हो रहा है, इस हालत में डालका मारा देने से ठीक हो जाता है। ठीक उसी ढंग से एकोनाइट मेडिसिन के बारे में भी हम सोचेंगे। उस समय जब अचानक ठंड लग गया, सर्दी जुकाम स्टार्ट हो गया, बहुत बेचैनी, मन घबराहट, डर एक बना हुआ है, और प्यास खूब लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा है,
ठंडे पानी पीने का मन कर रहा है और सूखा खांसी भी हो रहा है, बुखार भी है। ये हालत में एकोनाइट लैम्प मेडिसिन बहुत ही कारगर होता है। उसी ढंग से दोस्तों रस्टक्स मेडिसिन भी हम लोगों के पास है। यदि देहात में दर्द है, सर्दी जुकाम है, बहुत ज़्यादा ही बदन हाथ में दर्द है, प्रेशर से आराम मिल रहा है, गर्मी गर्म जगह से गर्म सेक से उसमें आराम मिल रहा है, ठंडा खाने से बढ़ रहा है, गर्म चीज़ खाते पीते हैं उससे आराम मिल रहा है और शारीरिक रूप से बहुत बेचैन है, बिछावन अच्छा नहीं लग रहा है हमको, रस्टक्स मेडिसिन जादू के जैसा काम करता है। उसी ढंग से हम लोग झुनका के बारे में सोच सकते हैं, जो ठंड लग गया है तो सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, रात में सोने जाते हैं नाक बंद, कब्जियत उसके साथ है, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन कुछ भी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड बना हुआ है, पेट गर्म जिसको हम कहते हैं खाने पीने से। नजभूमिका मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित हुआ है और जहाँ पर देखेंगे ये सर्दी जुकाम बना हुआ है, रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, रात का एग्रावेशन ज़्यादा ले रहा है दिन के बन इस पर, मुँह से बदबू हो रहा है, लार चूरा है। इस हालत में मार्क्सवाल मेडिसिन निश्चित रूप से काम करता है। ये सभी मेडिसिन हम लोग दो चार खुराक ही दो घंटा पर तीन घंटा पर यदि हम ले लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हमको छुटकारा मिल जाए। अब चलिए अभी जो विंटर सीजन इन कर रहा है इस समय अक्सर हम लोग सर्दी जुकाम इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस का शिकार हो जाते हैं, अगर ठंड लग करके चेस्ट में घड़घड़ाहट की आवाज़, साई साई की आवाज़, निमोनियल प्रॉब्लम, बजरा मारना, इस कफ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकलना, कफ छाती में बैठ जाना निकलता नहीं है, इस हालत में अक्सर विंटर सीजन में हम लोग जस्टिस या अलर्टोडा मेडिसिन को याद करते हैं, क्योंकि 30 पावर देने से विंटर सीजन का जो कफ सर्दी खांसी जुकाम होता है, निमोनियल अटैक हो जाता है, स्लेटनिंग साउंडली स्टार्ट हो जाता है, तो उस हालत में हम लोग जस्टिसिया मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी दो चार दिन खाने से ही धीरे धीरे कफ जो भी रहता है बना हुआ वो भी निकल जाता है और बुखार सर्दी खांसी जो भी है सब में धीरे धीरे आराम मिल जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं जो अक्सर जैसे गर्मी से ठंडी की ओर जा रहे हैं और ठंड लग गया अचानक गर्मी के बाद, उसके बाद हम सर्दी खांसी से सफ़र कर रहे हैं, बुखार से सफ़र कर रहे हैं, दिन में गर्मी रात में ठंडी लग रहा है, तो उसमें हम लोग ब्रायनिया एल्बा मेडिसिन को याद कर रहे हैं। ब्रायनिया मेडिसिन एकमात्र दवा है जो रामबाण की जैसा काम करता है। दोस्तों ऐसे खांसी की शिकायत जहाँ पर ठंड लगने से और साथ साथ उत्तरी या पश्चिमी ठंड हवा का ज़्यादा ठंड लग रहा है और आइसी कोल्ड ड्रिंक्स हम गर्मी के सीजन में और किसी भी सीजन में यदि हम ले लेते हैं उसके चलते यदि खांसी हो रहा है तो वहाँ पर एकोनाइट्रम नेप्लस मेडिसिन को याद करें दोस्तों। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, यदि हम सिंगल पार्ट कोई भी शरीर का यदि हम बाहर करते हैं या सिंगल पार्ट में ठंड लग जाता है उसके बाद हमको खांसी जुकाम हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही रैटलिंग व्हीजिंग साउंड के साथ, तो वहाँ पर हम लोग हिपर सल्फर मेडिसिन को याद करते हैं और रस्टक्स मेडिसिन को याद करते हैं। लेकिन रस्टक्स मेडिसिन में ये सब सिम्टम रहने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बदन हाथ में दर्द अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ पर हम लोग रस्टक्स मेडिसिन को याद करेंगे। सिंगल पार्ट्स कवर से बाहर करते हैं ऐसे लक्षण पर हिपर सल्फर मेडिसिन निश्चित रूप से काम करता है। ऐसी खांसी जहाँ पर दम घुटने वाला खांसी लगता है, खांसते खांसते डॉक्टर साहब हम परेशान हो जाते हैं, दम घुटने जाता है, लगातार खांसी होता है और जब भी उठता है अचानक उठता है, जब भी उठता है तो लगातार होते ही रहता है और जैसे ही नींद में जाते हैं सोने बस खांसी उठ जाते हैं,
इस हालत में दोस्तों एरेलिया रेसिमोसा, इस मेडिसिन को हम लोग याद करेंगे। एरेलिया रेसिमोसा ही इस लक्षण में एकमात्र मेडिसिन है। अब आइए ऐसे खांसी जहाँ पर बैठने से बढ़ रहा है, लेटते हैं पीठ के बल पर उस समय बढ़ रहा है, कोई भी साइड में हम डिजीज हो जाते हैं तो फिर हम रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इपिटेरियम परफोरेटम मेडिसिन को हम लोग याद करेंगे। इपिटेरियम परफोरेटम मेडिसिन अवश्य लेना है, वह निश्चित रूप से आराम देगा। ऐसी खांसी जो बच्चे के अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर, इन्फेंट के अंदर खांसी हो रहा है और बैठने से उसको एग्रावेशन करता है, और जैसे ही लेटता है उसको आराम मिलता है, या बाएं साइड चेस्ट में उसको दर्द होता है। ऐसे सिम्टम में दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए क्लिकिडिया फॉस। ये सभी सिम्टोमेटिक मेडिसिन इस सीजन के लिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए जो अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, इसके आधार पर आप मेडिसिन दें। पेशेंट कोई भी बनता है उनको आप दे सकते हैं, या आप परिवार में किसी को हुआ है तो इसके आधार पर आप मेडिसिन आप लें तो आपको निश्चित रूप से होम्योपैथिक में बिना साइड इफेक्ट का निश्चित रूप से ठीक हो रहा है। ये मेरा पूरा अपना एक्सपीरियंस है, सिंस 33 ईयर्स से ऊपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके आधार पर हम आपके साथ एक अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बिगिनर्स डॉक्टर बनेंगे वो सबके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर की, और जो दोस्तों अपने परिवार के लिए चाहते हैं कि हम ऐसे जैसे परेशान हैं ऐसे सिम्टम के साथ, तो आप लोग इसके आधार पर भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये कहेंगे यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ये को दबाइए और साथ साथ लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच ग्रुप में इस जानकारी को आप शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसे भी सुने और नई नई मेडिकल संबंधी जानकारी प्राप्त करें। कोई कमेंट्स है तो अवश्य दें, मैं आपका कमेंट्स देखते रहता हूँ। आपका कमेंट्स ही मुझे प्रोत्साहित करता है और नए नए वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। कोई भी कमेंट्स यदि सही लगा और कोई जानकारी नए नए लेना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उस पर काम करते हैं। पार्ट टू भी इसका आप लोग देख लीजिएगा, ये पार्ट वन वीडियो है। पार्ट टू में भी ये इसी तरह बहुत सारे खांसी से संबंधित रोग लक्षणों के ऊपर बहुत ही कारगर मेडिसिन बताया गया है जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मित्रों, कोई भी स्टूडेंट या डॉक्टर होम्योपैथिक फील्ड में ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे 6 महीने का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। अभी एडमिशन चालू है और अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डेमो क्लास बिल्कुल मुफ्त है, इसकी कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे। इनके साथ ही कोई भी मरीज अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहते हैं तो वे भी संपर्क कर सकते हैं।